हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कहां से आए कंप्यूटर, क्यों आया कंप्यूटर, ऐसी क्या जरूरत थी कि हमें कंप्यूटर को बनाना पड़ा, उसको अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ा, उन्हीं सब सवालों के जवाब आपको आज यहां मिलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। कुछ भी चीज पढ़ने के लिए, कुछ भी चीज को समझने के लिए या कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके पीछे क्या वजह है, वो चीज क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं और जब आपको उनके जवाब मिल जाते हैं तभी आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाते हैं और आपको वो चीज अच्छे समझ में आ पाती है। उसी चीज को टारगेट करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कंसेप्ट, पढ़ाएंगे सबको, सिखाएंगे। और आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कंप्यूटर क्यों आए, बेसिकली आप सभी को कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पता होगा, इट इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम मैन्युअली नहीं कर पाते, खुद से नहीं कर पाते, तो एक टाइम पर जब हमें उनकी जरूरत पड़ी कि हमें कैलकुलेशंस करनी है, हमें कुछ अपने काम करने हैं, तो उनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ मशीन्स बनाई गई, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए गए उस चीज को अचीव करने के लिए। और तब बनाया गया, उस टाइम पर सबसे पहले कैलकुलेटर्स को बनाया गया और उन्हीं कैलकुलेटिंग मशीन्स को आगे जाके हमने कंप्यूटर का नाम दिया गया। तो यही सब चीजें हम आज देखेंगे, क्या है इसके पीछे का कंसेप्ट और क्या है इसके पीछे की वजह कि चीजें कैसे आगे बढ़ी। तो शुरू करते हैं। सो दिस इज आवर प्लेटफॉर्म आई एग्जाम बी। यहां पर हम 50% ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर फास्टर तैयारी करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स आपकी रेगुलर इस चैनल की मिलती रहे। देखते हैं यहां पर मैकेनिकल एरा, बात कर रहे हैं मैकेनिकल एरा की। इसका मतलब जब चीजें हाथ से की जाती थी, जब चीजें मैनुअली की जाती थी। ओके, हम कुछ अगर हमें कुछ प्रोग्राम करना है, हमें कुछ अपने काम करने हैं, इवन कोई मशीन भी अगर कोई काम कर रही है तो उसको भी मैनुअली और लोगों के द्वारा उसको किया जाता था। तब की बात है मैकेनिकल एरा की। इसका टाइम है 1620 से लेकर 1900 तक। इसकी टाइमलाइन जो है, जो इसका टाइम पीरियड है वो चला था। और उसके अंदर हमारे पास ये फोर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके कंप्यूटर्स हैं या जो डिवाइसेस हैं, जो जिनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, इस पूरे टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको वहां पर बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चीज। ओके, तो ये हमारे पास है एबेकस, नेपियर्स बोन, पास्कल एडिंग मशीन और एनालिटिकल इंजन। इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पहली चीज है यहां पर एबेकस। सबसे पहले आप इसकी इमेज देखिए, इसकी आप फिगर देखिए कि किस तरह की ये डिवाइस थी और कैसे उसको उस टाइम बनाया गया था। आप इसमें देख सकते हैं इसमें बीट्स हैं। ओके, और इसको दो पार्ट में इसको यहां पर डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं एबेकस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे मेन पॉइंट जो है, जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में या फिर तो बात रहे क्वेश्चन की भी नहीं है, यहाँ पर बात आपके कंसेप्ट को समझने की है। अगर आप चीजों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस से चीजों को एक बार पढ़ेंगे अच्छे से मन लगाकर, तो आप चीजें कभी नहीं भूलेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट्स को पढ़ाने आए हैं। तो इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। क्या थी ये? पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय द चाइनीज। लोगों ने इसको फाउंड किया था। आई थिंक ये 2nd century BC की बात है, तब इसको फाउंड किया गया था। और इसको फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। जैसे कि हम मैकेनिकल एरा की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इट इज यूज टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसके अंदर हम डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, जो हमारी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम इससे करते हैं।
तो आई होप यहां से आपको अबेकस के बारे में चीजें जो है थोड़ी सी वो क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, नेपियर बोन, अगेन फिर से इसकी इमेज पे आते हैं। आप इसकी इमेज को देखिए, ये इसकी इमेज है। अब इसमें क्या है, इसमें इसको कैसे, इससे कैसे हम कैलकुलेशंस करते थे, वो यहां पर है। इसको सबसे पहली बात, इसको फाउंड किसने किया था, इसको फाउंड किसने किया था, जॉन नेपियर ने 1617 के अंदर इसको फाउंड किया था। और इट वॉज अ बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस देन अबेकस। ओके, एक चीज आ गई, उसको उसका इंप्रूवमेंट किया, उसको बेटर करने के लिए एक नई डिवाइस बनाएगी जो उससे अच्छी कैलकुलेशन करती थी। अब वो चाहे वो प्रिसाइज के मामले में हो, करेक्शन में हो, या फिर बोल सकते हैं कि वो उससे स्पीड में हो। इन दिस डिवाइस नेपियर यूज द बोन रॉड। इसमें क्या था, बोन से आप समझ सकते हैं हड्डियां। ओके, इसके अंदर दे यूज बोन्स ऑफ द काउंटिंग पर्पस वेयर सम नंबर इज प्रिंटेड ऑन दिस रॉड्स। और जो रॉड रॉड है, इन रॉड के ऊपर कुछ नंबर्स को जो है वो प्रिंट किया गया था, और उनकी हेल्प से क्या करते थे हम कैलकुलेशंस उस टाइम पर करते थे। यूजिंग दिस मशीन दे कैन डू एडिशन। और इसके अंदर भी हम वही चीजें, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, एक एफिशिएंट वे में इसमें हम क्या है चीजें कर सकते हैं, एक एफिशिएंट वे में। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पास्कलाइन कैलकुलेटर। ओके, पास्कल्स कैलकुलेटर, ठीक है, इसको पास्कलाइन एडिंग मशीन भी बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे इसके बारे में। इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट। ये किसको, किसने बनाया था, इसको एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने बनाया था जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, और इन्हीं के नाम पर इसको पास्कल्स मशीन कहा गया था, कैलकुलेटर कहा गया था। द पास्कल इज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। द पास्कलाइन इज द फर्स्ट मैकेनिकल भी था और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी था। मैंने आपको बताया कंप्यूटर्स जो अभी जो इवॉल्व हो गई है काफी चीजें, पहले जो वो उसको उसका बेसिकली यूज किया जाता था कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक ऑटोमेटिक और मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ डिजिट विद द हेल्प ऑफ गियर्स इन इट। इसके अंदर कुछ गियर्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका इमेज है पास्कलाइन एडिंग मशीन का। ओके, और द मशीन इज समथिंग कॉल्ड एडिंग मशीन और पास्कल मशीन। ये बेसिकली चीजों को एड करने के लिए इसको हम इसको बनाया गया था। ओके, अर्लियर जो चीजें थी वो सब कुछ था उसमें, लेकिन बेसिक ये इसका जो मेन पर्पस था वो चीजों को ऐड करने का था। नेक्स्ट, द लेबनीज कैलकुलेटर, ठीक है। गॉटफ्राइड लेबनीज, अ जर्मन मैथमेटिशियन, मॉडिफाइड द पास्कल कैलकुलेटर इन 1673। पास्कल कैलकुलेटर आ गया था एडिंग मशीन का, उसी को मॉडिफाइड किया गॉटफ्राइड लेबनीज ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। ओके, कहां से थे ये, जर्मनी से थे। उन्होंने एक मशीन बनाई लेबनीज कैलकुलेटर विच कुड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। पास्कलाइन एडिंग मशीन में क्या था, सिर्फ एडिशन कर सकते थे हम, लेकिन जो लेबनीज ने जो बनाई थी चीजें उसमें हम सब उसमें हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन भी कर सकते थे। ये इसकी इमेज है, आप इसको यहां पर देख सकते हैं, इस तरह का ये हमारा जो डिवाइस थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, और ये है हमारा एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन वॉज टू बी अ जनरल पर्पस फुली प्रोग्राम कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। आप देख सकते हैं यहां तक आते आते चीजें इतनी इवॉल्व हो गई थी, इतनी बेटर हो गई थी, आप इसकी डेफिनेशन में ही आप बहुत कुछ देख सकते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस फुली प्रोग्राम कंट्रोल ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन। और यहां पर एक इमेज है, एक फोटो है, इसको देख सकते हैं आप, चार्ल्स बेबेज। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आई होप मुझे शायद ही आपको बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और ये है इनकी डिवाइस जो इन्होंने बनाई थी, ये है हमारा एनालिटिकल इंजन। ओके, आगे चलते हैं। इट वुड बी एबल टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन सेट बिफोर इट। अगर आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनी कैलकुलेशन कैन बी डन इन दिस एनालिटिकल इंजन। और इसके अंदर जो जो हम बोल सकते हैं जो मेथड यूज होता था वो था पंच कार्ड्स का, ठीक है। पंच कार्ड्स इसके अंदर यूज होते थे, ठीक है, और इससे हम जो हमारी जो कैलकुलेशन है उसको हम कर सकते थे।
अब यहां पर अगेन चार्ल्स बेबेज और एनालिटिकल इंजन, और यहां पर जो है यहां पर हम बात करेंगे लेडी एडा लवलेस के बारे में। ये कौन थी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत कम आपने नाम सुना होगा। ये थी हमारी पहली प्रोग्रामर, हमारी हिस्ट्री की पहली प्रोग्रामर जो है उनको हम कहते हैं लेडी एडा लवलेस। ये इनकी एक मतलब फ्रेंड भी थी, फ्रेंड कम, और ये इनके इनके मेंटोर भी थे, आपस में बहुत से दोस्त भी थे और ये इनके मेंटोर भी थे। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन बनाया था, ठीक है, जो इन्होंने पहले बनाया था वो एक डिफरेंस इंजन था, उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। तो लेडी एडा लवलेस को उसके बारे में पता लगा कि ऐसे करके एक मशीन बनी है जो कैलकुलेशंस को कर सकती है, तो उन्होंने क्या किया, वो उनसे मिली, ठीक है, और मिलने के बाद उनके साथ काम किया और इन दोनों ने काम करके इसको एनालिटिकल इंजन को बनाया था, और वो क्या थी, शी वाज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री। तो आई थिंक आपको ये सब देखने के बाद, इस वीडियो के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपके जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो ऐसे ही ये सीरीज जो है हमारी, ये रोज 11 बजे हमारे जो हमारे सारे जो YouTube चैनल्स हैं उन सब पर आएगी, चाहे वो टारगेट RBI हो, चाहे वो हमारा आई एग्जाम भी चैनल हो, चाहे वो एग्री भी हो और चाहे वो लीगल भी हो, जो भी हमारे ये चार चैनल्स हैं, रोज वहां पर 11 बजे कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे, हम ये सबको पढ़ा रहे हैं वहां पर, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो सकें और आप लोग अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं, आप उनको एक बार देख सकते हैं, सभी मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं, और आप जाइए हमारे विजिट को, हमारी वेबसाइट को एक बार विजिट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।